आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ अचारी भिंडी। जी हाँ, उसके लिए सबसे पहले मैं पैन गरम करूँगी, गैस में रखूँगी। पैन में मैं 1.5 चम्मच तेल डालूँगी, डेढ़ बड़े चम्मच तेल लूँगी, सरसों का तेल, और नमक डालूँगी। नमक इसलिए क्योंकि इससे एक तो इसकी कड़वी स्मेल चली जाएगी, कड़वा टेस्ट हट जाएगा और आँखों में नहीं लगेगा तेल। तेल को एक स्टेज तक गर्म करना है, इतना गर्म नहीं करना कि धुएं निकले उससे और उस ख़राब हो जाए। अब हम एक स्टेज तक इसे गर्म करके भिंडियाँ डाल देंगे जो हमने काटी हैं। भिंडी को इस तरह से हमने कट करना है, आप देख रहे होगे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो कट देना है और दो भागों में बांटना है। बस दो पीस करने हमने भिंडियों के, और इस तरह से फैला के हम इसे फ्राई करेंगे। तेल इतना नहीं लेना है कि हम डीप फ्राई नहीं करनी है हमने, बस इतने तेल लेना है जिससे ये अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका नेचुरल कलर भी बना रहे। थोड़ा बहुत तो इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होगा, बट इसमें कुछ नेचुरल कलर इसका रहेगा, इतनी फ्राई करनी है। देखिए ब्राउन जो इसका वाइट हिस्सा है ना, वो ब्राउन होगा। इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप उसी हिसाब से इसको फ्राई कर सकते हो। इस तरह से हमने फ्राई करनी है, और ये जो तेल है एक्स्ट्रा वो हम निकाल लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो कुछ देर इस तरह से रख के तेल निकाल सकते हो, काफ़ी निकल जाएगा। और इस तरह से हम भिंडियों को प्लेट में निकाल लेंगे, और जो तेल है हम इसमें बाकी के मसाले ऐसे ही फ्राई करेंगे, इसी में फ्राई करेंगे। हींग 1 से 2 चुटकी मैंने ली है, 1 चुटकी काफ़ी है, वैसे भिंडी काफ़ी कम है हमारी, 150 से 200 ग्राम भिंडी है हमारी, 200 ग्राम भिंडी है। हींग ली है 1 चुटकी, और ये सौंफ 1/2 चम्मच छोटा चम्मच है, और 1/4 चम्मच राई, और कलौंजी भी 1/4 चम्मच हमने राई ली, कलौंजी भी ली है। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, ब्राउन करेंगे हम इसे। अब एक चीज़ तो मैं भूल गई, मैंने अदरक डालना था वो मैं भूल गई। अब इसको साइड से करके ना, तेल साइड करके अब इसी में मैंने अदरक भून लिया है। अगर आप भूल जाओ तो आप भी ऐसे कर सकते हो। अब लाल मिर्च 1/4, अगर आप तीखा खाते हो या ज़्यादा अच्छा कलर देना है तो आप 1/2 चम्मच भी ले सकते हो। आमचूर 1/2 चम्मच, ये छोटा चम्मच यूज़ कर रही हूँ मैं, 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगे, कम ज़्यादा जैसे खाते हो। और लास्ट में टमाटर, टमाटर हमने ऊपर से छील लेने हैं, जो इसकी पतली सी स्किन होती है ना वो हटा लेनी है, और फिर बारीक काटने हैं। अब इसे हम ढक देंगे, थोड़े टमाटर नरम हो जाएं, पक जाएंगे। ये पक चुके हैं टमाटर, आप चाहो इसमें 1/2 नींबू लिया है, आप चाहो तो ज़्यादा नींबू भी डाल सकते हो, पर पहले आमचूर डाल चुके हैं इसलिए मैंने थोड़ा ही नींबू डाला है इसमें। ऊपर से नमक फिर से और थोड़ा डाला है, और बाकी भिंडियाँ जो फ्राई की थी वो डाल दी हमने। बस देखिए कितना आसान है बनाना अचारी भिंडी, टेस्टी तो बहुत ही होती हैं और बनाने में कोई टाइम नहीं। ये ऊपर से मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, आप पहले भी डाल सकते हो, पर मुझे बाद में पसंद है, मैंने बाद में डाला इसीलिए। बस ये बन के तैयार है, आप चाहो तो थोड़ी देर इसे ढक्कन लगा सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। ये बन के तैयार है बिल्कुल। आप हमेशा रोज़ तो नहीं खाते हो, जब भी बनाते हो वही मसाला भिंडी फ्राई, तो ये डिफरेंट चीज़ है थोड़ी, इसको आप ट्राई कर सकते हो, और बहुत ही टेस्टी बनती हैं दाल चावल के साथ, तो बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में, तो आप ट्राई ज़रूर करना, ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी होंगी।